हेलो गाइस, वेलकम टू जुगाड़ू गुरुजी। मैं अनिल फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पैकेज अराइव हुआ है मुझे, और ये कमलेश कनौजिया जी हैं, मतलब इलाहाबाद से। इन्होंने मुझे ये अपना बच्चे के किड्स कार की पूरी वायरिंग और पूरा पीसीबी वगैरह भेजा हुआ है, क्योंकि वो रीवायरिंग करने के लिए मेरे पास आया हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरीके का कभी इशू आ रहा है, या आपकी जो पीसीबी की वायरिंग वगैरह पूरा अगर कम्प्लीटली नहीं हो पा रही है, तो आप हमें कोरियर कर सकते हैं। एड्रेस आपको मिल जाएगा, आप हमें जो ग्रुप है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप एड्रेस मुझसे मांग सकते हैं, एड्रेस भी, और वहाँ पे आप मुझे शिप कर सकते हैं अपना जो भी सामान है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी होंगी, और हम रीवायरिंग करके एक नॉमिनल चार्ज पे हम इसको आपको वापस कोरियर कर देते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या भेजा हुआ है और क्या क्या हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम इसको कट कर लेते हैं, इसकी जो टेपिंग है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो जो मुझे सामान भेजा हुआ है वो हम एक नज़र मार लेते हैं। ये पूरी वायरिंग है इसके अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये डैशबोर्ड भेजा हुआ है इन्होंने, पूरा डैशबोर्ड भेज दिया है। और इस डैशबोर्ड को हम पूरा चेक करेंगे, इवन इसके अंदर स्विचेस वगैरह पूरा पैक करके दिया हुआ है, और उसको हम यहाँ पर रीवायरिंग करेंगे। ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर है, और वायरिंग में देखेंगे यहाँ पर हमें वायरिंग में काफ़ी चीज़ें देखने को देखेंगे। अगर यहाँ पर आप वायरिंग को देखेंगे, एक नज़र मारते हैं, तो ये वायरिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, पूरा कटा हुआ सब जगह से। ये पैटल स्विच, ठीक है, ये वायरिंग स्विचेस कटे हुए हैं, ये सब पूरा। तो ये सब हमें रीवायरिंग करनी है। यहाँ पर ये देखिए छोटे लाइट के स्विचेस हैं जो, इसकी भी कटिंग है। यहाँ पर ये पीसीबी का पूरा डेड पड़ा हुआ है, तो ये सब हमें अभी रीवायर करना है, और उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे कैसे रीवायरिंग करना होता है। इस तरीके से अगर कोई भी कटी हुई है तो उसकी पूरी वायरिंग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तब तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने सारे आइटम्स निकाल लिए हैं। ठीक है, डैशबोर्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच था जो पावर ऑन ऑफ का सबसे पहले मेन स्विच होता है, उसको हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि वायरिंग किस तरीके से की जा रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ये स्विच भी हमने अलग कर दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें, चार्जिंग सॉकेट था, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विच है, वो भी हमने हटा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तीन कलर के कॉम्बिनेशन के, येल्लो, ब्लू और ग्रीन कलर के वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम बेसिकली करने क्या वाले हैं वो हम आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वायरिंग, जब इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कार के अंदर, जब कोई चूहा रैट इस तरीके से काट देता है, तो हम किस तरीके से वायरिंग को जोड़ सकते हैं। अभी देखिए सारी चीज़ें हम अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये म्यूज़िक चिप है। अब म्यूज़िक चिप में बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ, तो म्यूज़िक चिप में आपको यहाँ पर तीन पॉइंट ऐसे होंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ये रेड वाला जो पावर सप्लाई के लिए होता है, बीच में यहाँ पर ये तीन वायर देख रहे होंगे, एक ब्लैक, एक रेड और येलो। ये जो जब आप बटन प्रेस करते हैं, बेसिकली स्टीयरिंग व्हील से जब बटन आप प्रेस करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर साउंड चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है। बीच वाला पोर्ट होगा वो स्पीकर के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो कॉमन वायर दिख रहे होंगे। जो लास्ट ये पोर्ट छोड़ देंगे हम, जो लास्ट पोर्ट होगा वो लाइट के लिए होगा, एलईडी लाइट्स जो आपकी कार में म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ब्लिंक करेंगी। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा म्यूज़िक बोर्ड के बारे में मतलब था। और ये सारे स्विच देखिए पूरा कट हो चुका है, और हम किस तरीके से इन वायरिंग को जोड़ेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पार्ट पीसीबी का यहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट पीसीबी की तरफ रहेगा, नीचे वाला पार्ट है बेसिकली यहाँ पर, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और अभी सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर की वायरिंग के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें सही है हमारे पास। तो एक जो लाइट का ये सॉकेट है जो म्यूज़िक बोर्ड में लगेगा वो बिल्कुल ओके है।
दूसरा ये जो ब्लू और रेड वाला ये जो वायर देख रहे हैं, ये वायर आपको बेसिकली जो फ्रंट मोटर लगती है उस मोटर के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम सॉकेट को क्या करेंगे, सॉकेट को हम निकाल लेते हैं और इस वाले वायर को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, जिससे आगे की मोटर भी कनेक्ट हो सके। तो हमारे पास बेसिकली कुछ टूल्स रहेंगे जिससे हम जिसकी हेल्प से वायरिंग को हम और लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके की हम एक हमारे पास क्लैंप्स रहेंगे, और अगर आपके पास क्लैंप्स नहीं है तो आप डायरेक्टली भी वायर को जोड़ के टेपिंग भी कर सकते हैं। तो हम इन क्लैंप्स का हेल्प लेंगे जिससे थोड़ा वायरिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। जब आप देखेंगे इसको हमें करना क्या होगा, सेम हमारा यहाँ पर जो टूल है उस टूल से हम इसको टूल से इसको प्रेस करेंगे, सेम इस तरीके से इसको फिर से हम इस तरफ से भी प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए स्विच, ये वायर है जो हमने बीच में जॉइंटर लगा के इसको मजबूती से बना दिया। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ वायरिंग में अटैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके साथ हम इसको वापस से जोड़ सकते हैं। तो ये आगे की फ्रंट मोटर के लिए वायरिंग हो गई। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ये दो वायर हैं, ये दो वायर बेसिकली पावर मतलब बैटरी से आ रहा है एक रेड वायर, और ग्रीन वायर के थ्रू वापस पावर जा रही है। तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो ये वाला जो स्विच होगा इसमें जुड़ेगा, रेड वाला वायरिंग यहाँ लगेगा और ग्रीन वाला वायरिंग इसके साथ में लगेगा, और यहाँ पर ब्लैक और ये कॉमन वायरिंग रहेगी। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, जो ये ग्रीन वायरिंग वगैरह रहेगी वो यहाँ रहेगी, इसके साथ में हमें वायरिंग जोड़नी है। और यहाँ पर आप देखेंगे दो वायर रहेंगे, एक म्यूज़िक बोर्ड के लिए वायर भी जाएगा और एक वायरिंग ये भी रहेगी। तो अभी हम यहाँ पर कनेक्टर की हेल्प से इसकी वायरिंग को थोड़ा मोटर कनेक्टर लगा सकते हैं, और इसको यहाँ पर हम कॉमन कर देते हैं, और इस तरफ हम जो वायरिंग का दूसरा वाला कनेक्टर यूज़ करेंगे यहाँ पर, उस कनेक्टर को देखिए यहाँ पर हम मोटा वाला कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम मैक्स टू मैक्सिमम वायर को यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ वायरिंग को जोड़ देंगे अपनी टूल की हेल्प से। और टूल्स में देखिए यहाँ पर जुड़ गई है इस तरफ। अब दूसरी तरफ से हम इधर जो वायरिंग है उस वायर में हम एक रेड वायर और लगाने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर रेड वायर हमें पावर सप्लाई के लिए भी चाहिए जो म्यूज़िक बोर्ड के लिए भी जाएगा। डायरेक्टली जोड़िए ग्रीन के साथ में इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि रेड्स यहाँ से अब ये पावर वापस जाएगा म्यूज़िक बोर्ड की तरफ, रेड वायर से जाएगा और रेड वाले इसलिए हमने एक वायर अटैच किया है, और दूसरे वाले वायर से ग्रीन वायर से पीसीबी बोर्ड में जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए फिर इसको जोड़ देते हैं। इजीली जॉइंट हो चुका है, अब वायर निकलेगा नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। और बाकी हम इसको अभी मेल्ट कर देंगे तो ये और ओके हो जाएगा, तो जोड़ने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक रेड वायर जो हटाया गया है, ये वाला रेड वायर तो एज़ यू नो म्यूज़िक चिप के लिए और लाइट के लिए यहाँ पर हमें कट दे देंगे इसको। अब जो यहाँ पर रेड वायर है उस रेड वायर को इस रेड वायर से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सबसे छोटा वाला कनेक्टर लेंगे और उस कनेक्टर की हेल्प से हम इसको जोड़ देते हैं। तो वो आप देख सकते हैं वो कनेक्टर हमने इस तरफ लगा दिया है,
सेम इस तरफ से हम इस कनेक्टर को लगा देंगे। और इसको आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ प्लायर की हेल्प से दबा दिए, सेम इस तरफ भी दबा दिए। तो अब ये वायरिंग भी हो चुकी है। अब हम इसको मेल्ट कर देंगे। अब ये तीसरी जो पिन रह गई है, इस पिन को निकाल के थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कौन कौन सी वायरिंग लगने वाली है। देखिए ये वायर तो लगेगी लगेगा, जब हम इस पिन की सॉकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर इस वायरिंग के साथ साथ, इस वायरिंग के साथ साथ आप देखेंगे इस वायरिंग के साथ साथ एक काला वाला वायर जो आया है बोर्ड से, वो भी लगेगा, वो हमें यहाँ इस वाले सॉकेट में देखने को मिलेगा। यहाँ से जो काला वायर आ रहा है, सॉरी इस पिन में है, काली पिन में है, तो ये जो काला वायर है और एक ये ब्लू वायर है और ये ग्रीन वायर, ये तीनों एक ही पिन में यहाँ पर अटैच होने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को एक साथ कर देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर हम इस वाले पर टेप कर देंगे। बाकी देख सकते हैं अब यहाँ से ये जो दो वायर होंगे, वो वायर हमें इस वाले एक स्विच में जोड़ने हैं। वायरिंग कैसे जोड़ना है वो देखते चलते हैं। और फिर वायरिंग कैसे कहाँ गई है वो आपको अभी बताया जाएगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ ये वायरिंग लगा ली है, ये वायरिंग भी लग चुकी है दोनों। अब ये जो तीन वायर बचे हुए हैं यहाँ पर, सॉरी एक ब्लू, एक ये और एक ग्रीन वायर था, वो हमने यहाँ जोड़ दिया है। और ये वायर जोड़ना था, सॉरी हमने अभी देखी इस सॉकेट से यहाँ से येलो वाला स्विच निकाल लिया जो सबसे ऊपर लगेगा, ब्लू वाला बीच में, ग्रीन नीचे। तो हमने येलो सॉकेट को निकाला है और यहाँ पर जो वायरिंग आप देख रहे हैं, इस वायरिंग के अंदर हम ये येलो वाली पिन के साथ में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें इस पिन के पास में लगा देना है। और एज यू नो कि यहाँ पर इसको पिन को दबा देना है। ये येलो वाला वायर स्विच लग चुका है, इसके बाद हमें ग्रीन वाला लगाना है, ब्लू वाला बीच में लग जाएगा। इसको निकालने के लिए सिंपली यहाँ से पुल करिए और ये खींच दीजिए। ये जब आ जाएगा तो सेम प्रोसेस करना है हमें। क्या करना है, पहले तो इसको यहाँ से निकाल देना है, इस वायर को हम यहाँ पर आपस में जोड़ देते हैं और अच्छे से टेपिंग कर देंगे।
अभी देख सकते हैं आपने, हमने जो ये स्विच से निकाला था, जो वो हमने नीचे की तरफ से निकाला था ग्रीन वाले को, तो हम यहाँ नीचे वापस लगा देते हैं, जिससे इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। येलो को ऊपर से निकाला था, तो अभी इसको निकाल के हम येलो को भी निकाल लेते हैं, येलो को हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको भी पील ऑफ कर लेंगे। ये वाला भी पील ऑफ है पहले से, और इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। और इसकी हम टेपिंग कर देते हैं। ये वाला जो वायर रहेगा वो आप देख सकते हैं, इस वायर को हम मिडिल वाले पार्ट पर जोड़ देंगे। ये तीनों वायर लग चुके हैं, ये वायर भी लग चुके हैं। अब सिर्फ कहाँ पर जो वायरिंग रह गई है वो वायरिंग रह गई है इस स्विच की। स्विच की भी वायरिंग हो चुकी थी, स्विच पे बस तीसरा टर्मिनल रह गया था, वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसका सॉकेट आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट है, ये इस तरीके से लग जाएगा। ये जो दो वायर रहेंगे वो पैडल में जाएंगे, तो ये पैडल की भी स्विचिंग कंप्लीट है। ऑब्वियसली ये म्यूज़िक का है वायर है, और यहाँ से एक नेगेटिव जो टर्मिनल था वहाँ से भी वायरिंग थी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अभी यहाँ से सिर्फ ये इसका हमने ले लिया एक नेगेटिव के लिए, यहाँ से अभी हम ले लेंगे जिसको आगे फर्दर हमें कनेक्ट करना है म्यूज़िक चिप के लिए, तो वो हम अभी जोड़ेंगे। म्यूज़िक चिप का देखिए ये कनेक्टर हमने बना लिया है, इस तरीके से आप कनेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम म्यूज़िक बोर्ड में आप देख सकते हैं स्पीकर का जो कनेक्टर है वो बिल्कुल भी डैमेज हो चुका है, तो हमने इसको हटा के यहाँ पे हम स्पीकर के लिए दूसरा कनेक्टर जोड़ लेंगे, और वो हमने यहाँ पर ये लगा दिया। और ये जो वायर रहेंगे वो उनको हम स्पीकर में शोल्डर कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा काफ़ी लगाना। और ये जो वायरिंग रहेगी उस वायरिंग को हम यहाँ पर कट कर लेंगे, स्पीकर की वायरिंग जो रहेगी पावर की, इसको कट कर लेते हैं पहला था ये। इसको अभी हम कॉमन छोड़ेंगे, एक लाइट के लिए भी हो सकता है मे बी, तो अभी हम उसको यहीं छोड़ेंगे। और एक जो नेगेटिव टर्मिनल हमें चाहिए था वो हमारे पास ये है, इसके साथ में हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे वायरिंग को इस तरीके से अंदर लगाएंगे, और इस तरीके से कनेक्टर के साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वायर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसके बाद जो वायरिंग रह गई थी स्विच की और उस तरफ की, वो हम करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर जो ये वायरिंग है वो फ्यूज़ की है वो कर लेते हैं। इसमें हमें दो रेड वायर चाहिए होगा और एक तरफ एक रेड वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रेड वायर यूज़ करने वाले हैं जो बैटरी से आएगा, वो हम इतना बड़ा वायर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा वायर यूज़ करेंगे जो कि दो वायर लगाए जाएंगे,
आइए समझते हैं अब इसको। फाइनली देखिए वायरिंग सारी जोड़ दी हमने और मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पूरा समझाऊंगा कि कौन सी वायरिंग कहाँ कैसे लगी हुई है। सिंपल सी तीन चीज़ें समझ लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है वो देखिए, चार्जिंग पॉइंट में आपको तीन पिन मिलेंगी। तो सबसे ऊपर वाली जो पिन होगी मोस्टली यहाँ पर ये जो दिख रही है ये वाली पिन पे हमेशा एक डायोड लगा रहता है, 4007 का डायोड होता है। उस डायोड से हमारी जो मेन वायरिंग होती है, ये जो रेड कलर की वायरिंग देख रहे हैं वो आप जाएगा वो फ्यूज़ में जुड़ा रहता है और ये पॉजिटिव वायरिंग होती है जो चार्जिंग के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, एक जो सेंट्रल में बीच में जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा नेगेटिव टर्मिनल का, जो बैटरी से कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव जो बैटरी से कनेक्ट होगा वो फ्यूज़ में आ जाएगा। तीसरा जो कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ही है और ये वाला टर्मिनल और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल पीसीबी पर जाएंगे तो ये पीसीबी पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो यहाँ चला गया वायरिंग में और ये ग्रीन कलर का यहाँ से पीसीबी बोर्ड से उठ के आ रहा है। तो जब ये वायरिंग उठ के आ रही है तो ऑब्वियसली बात है ये जो करंट है वो कहाँ पर पहुँच रहा है, वो हमारे यहाँ सॉकेट पर, स्टार्टिंग सॉकेट पर पहुँच रहा है, यहाँ पर ऑन ऑफ वाले सॉकेट पर। तो जब ये देखिए रेड कलर का जो वायर आया है वो यहाँ आया है, जब इससे हम ऑन करते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं ऑन करते हैं तो ये ग्रीन कलर का जो वायर है इस वायर में यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से करंट सप्लाई वापस जाती है। तो ये ग्रीन पीसीबी पे वोल्टेज को पहुँचा देता है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज को पहुँचा देता है और ये पीसीबी ऑन हो जाती है, हमारी गाड़ी ऑन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं कि कुछ वायरिंग किस तरीके से की गई है यहाँ पर। तो सिंपली सा ये देखिए आप, यहाँ पर जो पेटल है, पेटल को अगर आप देखेंगे तो पेटल में दो वायर लगे हुए हैं जो कॉमन वायर एक ही कलर के रहते हैं, जो ब्लू कलर के जैसे दिख रहे हैं, वो दोनों वायरों को यहाँ से निकाला गया और इधर जो आए हैं वो ब्लू में से एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। ये जो वायर है वो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल का और ये भी जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो स्विच ये लगा हुआ है ये भी एक नेगेटिव टर्मिनल का स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ से जब आप इसको नेगेटिव दबाते हैं तो यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो करता है और वो हाई लोड वाले स्विच पर पहुंचता है। यहाँ पर ये जो हमने ये वायर कनेक्ट किया है इस पर, ये हाई लोड वाले वायर पर यहाँ पर वो पहुंचता है। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि जो वायरिंग है वो अगर हम फॉरवर्ड प्रेस करते हैं तो येलो करंट में नेगेटिव टर्मिनल जाता है और ये मोटर फॉरवर्ड मूव करती है। बैकवर्ड प्रेस करते हैं तो ग्रीन कलर में नेगेटिव वायर, ये ब्लू नेगेटिव वायर है जो कि पीसीबी से आ रहा है। ठीक है, ये जो नेगेटिव वायर है वो कहाँ से आ रहा है, पीसीबी से आ रहा है। ये नेगेटिव वायर देखिए यहाँ पर हम भेज रहे हैं तो इसके अंदर जब करंट नेगेटिव जाएगा और ये नेगेटिव वायर यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसके अंदर जब करंट आएगा तो ये करंट कहाँ, जब हम करंट प्रेस करेंगे नेगेटिव वायर से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ग्रीन वायर से, ग्रीन वायर से बैक में मूव करेगी गाड़ी। ये जो मोटर के वायर देख रहे होंगे दो, एक स्विच के ये अलग तरीके से, ये फ्रंट मोटर की वायरिंग है, इसको आप फ्रंट मोटर से जोड़ सकते हैं। और बाकी का ये जो दो मोटर के वायर दिख रहे हैं, ये मोटर 12 वोल्ट की, दोनों दो मोटर होंगी बैक में उनके लिए है। यहाँ पर ये वायरिंग लाइटिंग की वायरिंग है, ये दो अलग से स्विच दिख रहे हैं, दो तरीके की, एक इस तरफ की एक इस तरफ की वायरिंग है, उसको आप जोड़ सकते हैं। और ये वायरिंग जो अंदर से होके आ रही है वो आ रही है हमारी म्यूज़िक चिप के बोर्ड पर, तो ये म्यूज़िक चिप पे बोर्ड पर लग जाएगा। म्यूज़िक चिप की जो वायरिंग रहेगी पॉजिटिव करंट वाली, तो उसमें एक हमने ये वायर छोड़ा हुआ पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव टर्मिनल ये ओपन है तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही ऑन होगा तो ये म्यूज़िक चिप भी ऑन हो जाएगा। तो आई थिंक फिर इसके बाद कॉपी पेन पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए कि वायरिंग कैसे करनी है और किस तरीके से वायरिंग हो सकती है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कार की वायरिंग समझते हैं। कार की वायरिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर मेन चीज़ जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पर पीसीबी बोर्ड होगा। तो एक पीसीबी बोर्ड हम यहाँ पर बनाते हैं तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पीसीबी बोर्ड रहता है। यहाँ पर आपको दो टर्मिनल पीसीबी में दिखेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। वहीं यहाँ पर दूसरे दो पॉइंट और मिलेंगे, वो एक मोटर के लिए रहता है, मतलब M1 मोटर के लिए रहेगा। यहाँ पर दूसरे दो पॉइंट और दिखेंगे जो M2 मोटर के लिए वायरिंग रहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पिन्स होती हैं वो 8 पिन्स तक होती हैं, बट यहाँ पर किसी गाड़ी में आपको 5 पिन्स से ज़्यादा से ज़्यादा जो यूसेज होता है वो 5 पिन्स का होता है। तो इन 5 पिन्स को देखेंगे, ये हाई और लोड के लिए रहती है, ये फॉरवर्ड के लिए रहेगी, ये बैकवर्ड के लिए रहेगी, ये ग्राउंड वायर होगा और ये यहाँ पर आपको रॉक या फिर VSS, ये यहाँ पर VCC बैटरी वायर भी मिल जाएगा।
अब हम यहाँ पर ये चीज़ जब आपने देख ली गौर से, अब हम देखेंगे बढ़ेंगे आगे की तरफ इससे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक चार्जिंग सॉकेट आएगा। अब चार्जिंग सॉकेट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगेंगी वो हम देखेंगे। तो देखिए चार्जिंग सॉकेट में यहाँ पर तीन पॉइंट मिलेंगे, एक सबसे नीचे। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ समझते हैं। जो चार्जिंग सॉकेट होगा यहाँ पर आपको एक डायोड मिलेगा, जो डायोड होता है 4007, जो डायोड रहेगा वो क्या रहेगा, 4007 नंबर का डायोड होगा, वो कनेक्टेड रहता है ऊपर की वायरिंग में, और वहाँ से यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा और एक यहाँ पर लगा होगा फ्यूज़। ठीक है, ये फ्यूज़ के एक वायर से कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल। सेकेंडली जो फ्यूज़ का वायर होगा यहाँ पर, जो सेकेंडली फ्यूज़ का वायर होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी से। यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टेड होगी। बैटरी का जो नेगेटिव वायर होगा ये होगा पॉजिटिव, और जो बैटरी का नेगेटिव वायर होगा वो कनेक्टेड होगा आपके किससे, बीच वाले पॉइंट से। अब देखिए यहाँ से एक जो वायर होगा वो फ्यूज से एक रेड वायर, मतलब एक रेड वायर मान लीजिए, वो वायर यहाँ कनेक्टेड रहेगा फ्यूज से, जो कनेक्ट होके आएगा वो आगे की डैशबोर्ड की तरफ जाएगा, ये जो पॉजिटिव रहेगा। ओके, थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जब ये पॉजिटिव रहेगा, ये जो एक लास्ट वाला टर्मिनल का वायर बचेगा, ये वायर आपका जाके इस नेगेटिव टर्मिनल पे ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉजिटिव वायर निकला है, ये मोटर के रहेंगे इनमें कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से एक पॉजिटिव जो वायर रहेगा वो वायर आपका फ्रंट डैशबोर्ड पर जाएगा, और डैशबोर्ड पे यहाँ रहेगा ऑन ऑफ का स्विच। ऑन ऑफ के स्विच में आपको ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ अटैच हो जाएगा, और एक बीच में पॉइंट और रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव टर्मिनल का, जिससे कि इसमें लाइट जलती है जब ऑन ऑफ स्विच में, तो वो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल की हेल्प से ही जलती है। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर आएगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड का स्विच, तो एफ फॉर फॉरवर्ड, बीच फॉर एन, एन फॉर जो कॉमन रहेगा न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए जो फॉरवर्ड में वायर लगा होगा वो फॉरवर्ड में एक येलो वायर फॉरवर्ड वाले से कनेक्टेड होगा, बैक में ये बैक से कनेक्ट होगा। एक जो यहाँ पर कॉमन टर्मिनल एक वायर जो लगा होगा वो वायर कौन सा वायर होगा, वो वायर होगा हमारा जो पैडल से आ रहा होगा, वो किससे आ रहा होगा, पैडल से। तो पैडल पे ये दूसरा जो वायर होगा, पैडल का दूसरा वायर कहाँ से आ रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। तो जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से जब नेगेटिव पावर जाएगी, तो नेगेटिव पावर में आपको पैडल दबाएंगे, पैडल से फॉरवर्ड अगर होगा तो फॉरवर्ड में नेगेटिव करंट जाएगा और ये पीसीबी ऑन हो जाएगी। पीसीबी में तो ऑन करते ही ऑन करंट पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड वायर रहेगा वो ग्राउंड वायर यहाँ से किससे कनेक्टेड होगा, आगे बोर्ड में, ये जो ग्राउंड वायर है वो यहाँ पर कनेक्टेड होगा। आप जो ग्राउंड वायर देख रहे हैं नेगेटिव का, वो इस पीसीबी पे कनेक्टेड होगा, और ये इससे, ये पैडल में, पैडल से ये। अब अगर आपको कोई भी जैसे म्यूज़िक चिप की कनेक्शन रहेगा, म्यूज़िक चिप का कनेक्शन देखिए, म्यूज़िक में दो वायर निकलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पर जैसे ही ये बोर्ड से, आप ये देख रहे हैं ये फ्यूज़ से वायर आ रहा है, ये वाला तो डायरेक्टली बैटरी से हो गया, इस वाले वायर में म्यूज़िक का कनेक्ट हो जाएगा, और एक नेगेटिव वाला यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी म्यूज़िक में दो स्पीकर के वायर होंगे, दो स्पीकर के वायर होंगे, तीन चेंज करने के लिए होंगे वॉइस चेंजर के लिए, और दो लाइट के लिए होंगे। तो कॉमन सा इसका वो मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि ये बड़ा सिंपल सा रहेगा। बाकी आप देखेंगे अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है, इस तरीके की नॉर्मल फंक्शनिंग रहेगी गाड़ी के अंदर, कोई भी गाड़ी के अंदर आप देख लेंगे, तो इसी तरीके का आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगा। एक बार गौर कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का ये पूरा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, और आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बेसिक सिंपल सा डायग्राम है, इससे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब VSS वगैरह रॉक ये रहता है तो इसको आप शॉर्ट कर दीजिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलने लगेगी। हाई लोड में कभी रहता है कि एक स्विच होता है जहाँ पर हाई लोड के लिए दिया रहता है, कि अगर हाई लोड हमें यूज़ करना है तो वहाँ पर क्या रहेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल या पैडल से जा रहा था वही एक वायर यहाँ पर पहले कनेक्ट हो जाएगा, और वो कनेक्ट हो जाएगा हाई लोड स्विच में।
तो बस ये नेगेटिव जो यहाँ से जा रहा था वो नेगेटिव वायर को ही ट्रेवल कराना, नेगेटिव से करंट को कम, ज़्यादा करंट यहाँ पर अगर ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये हाई लोड हाई मूव करेगी, कम प्रोवाइड करेंगे तो लो मूव करेगी। तो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम फॉर दिस कार। तो आई होप समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि गाड़ी की पैकिंग किस तरीके से हो गई और किस तरीके से हमें बाकी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे कि आप वायरिंग समझ ही चुके हैं, अब हम इसको फाइनल डैशबोर्ड में फिट कर देते हैं और किस तरीके से फिट होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें सारे स्विचेस की वायरिंग एक बार निकालनी होगी, तभी हम इसको फिट कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ये निकाल लिया है और ये भी निकाल लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ की जो वायरिंग रहेगी वो किस तरीके से फिट थी, तो एक बार नज़र डालते हैं। ये निकल ही आया ऑब्वियसली, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, इसको यहाँ से एंटर कर सकते हैं वायर को, और यहाँ से जो आपका ये स्टार्ट स्टॉप बटन लग गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बटन बचे हुए हैं, तो इस बटन में हम ये वायरिंग निकाल सकते हैं। ये कोई भी एक वायरिंग आप निकाल लीजिए जो इजीली निकल आए, उस वायरिंग को देखिए हमने ये वाली वायरिंग निकाल ली है। और अब हम इस स्विच को यहाँ पर लगाने वाले हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्विच को। तो इसके लिए हम इसको यहाँ डाल देंगे और यहाँ से वायरिंग अंदर की तरफ चली जाएगी। स्विच इस तरीके से लगेगा, फॉरवर्ड ऊपर बैकवर्ड नीचे, यहाँ पर ये वाला स्विच लग जाएगा। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और अब इसकी वायरिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो जो दो वायर हमने निकाले थे उन दो वायरिंग को हम यहाँ पर वापस से लगा देंगे, बीच वाले पे और सबसे लो पे। अब इसके बाद जो ये वायर था उसको हम एज इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ लगाने वाले हैं। ये जो वायर था ये वापस से रीवायरिंग के सॉकेट पे एड जॉइन हो जाएगा। ये म्यूज़िक बोर्ड में जाएंगे वायर, ये फ्रंट की वायरिंग मोटर पे जाएंगे। म्यूज़िक चिप को भी एक बार जोड़ने से पहले हम पीसीबी का सिस्टम जोड़ दें और पीसीबी को पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी पैक हो गई है। पीसीबी पैक हो गई है ओके। अब हम कुछ ये जो सॉकेट्स हैं इन पे हम ग्लू यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो कहीं भी ये वायरिंग वगैरह डैमेज ना हो, तो उससे हम ग्लू यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम ग्लू लगा देते हैं सारी जगह। और अब आप एग्जैक्टली एक चीज़ और देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको म्यूजिक कम चेंज हो रहा है और इसको आप और इसको हाँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक बटन बनते ही बनता है। कोई भी प्रॉब्लम है वायरिंग करवानी है तो आप हमें एड्रेस पे कोरियर कर सकते हैं और इस तरीके से हम वायरिंग पूरी आपको रीवायरिंग करके घर पर भेजते हैं और फिर एक नॉमिनल चार्ज पर। देखिए पूरा बहुत अच्छे से हम पूरा वायरिंग का आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर पूरा क्लू वगैरह लगा के यहाँ पर कहीं वायरिंग कहीं भी शॉर्ट ना हो, इस तरीके से पूरा देखिए देखते हैं। तो आई होप पसंद आया होगा वीडियो। लाइक बटन बनता ही बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।